कार्यक्रम हुआ मराठी में। जी हाँ जी हाँ, बहुत मुझे खुशी है इस बात की कि महाराष्ट्र में मैं, मुझे आज 50 साल हो गए हैं और मुझे ये महाराष्ट्र के लिए मराठी फिल्म करने का जो मौका मिला तो मैंने कहा कि ये 100% मुझे करना चाहिए। और इस तरह से मैंने ये भले एक ही गाना मैंने किया है, लेकिन ये समझिए कि एक मराठी फिल्मों के लिए जो है मेरा योगदान मैंने अपने तरफ से दिया है। और गाना ममता शर्मा जी ने गाया है, वो भी नॉन मराठी है, लेकिन देखिए उन्होंने बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन, एकदम परफेक्शन, और एक कमर्शियल जो एंगल होता है फिल्मों का, वो उस कमर्शियल एंगल को समझते हुए ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। और साथ साथ में मेरे साथ अभिजीत जी हैं और अमरीश जी हैं। ये अभिजीत जी ने जो काम किया है वो भी माइंड ब्लोइंग है। बहुत सालों के बाद मुझे मराठी फिल्मों की बहुत अच्छी कंपोजिशंस सुनने में मिली है। और अमरीश जी का भी क्या कहना भाई, ये भी आपका भी डेब्यू है? नहीं नहीं, ऑलरेडी कर चुके हैं आप पहले। तो ये फिल्म जो इस फिल्म में जो इन्होंने गाने लिखे हैं, वाकई भाई वेरी नाइस, बहुत अच्छे गाने हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये तीनों गाने मार्केट में बहुत अच्छे चलेंगे। और मैं प्रेयर करता हूँ मालिक से कि बस ये इसको सक्सेस दें, और ये सारी सक्सेस हमारी ऑडियंस के हाथ में है। थैंक यू। आपने अभी ये घंटा गाना इसका गाना है जी, अभी आपको डर है कि ऐसे ही गाने आपको मिलते रहेंगे आइटम सॉन्ग? देखिए ऐसा है कि आइटम सॉन्ग तो कंपलसरी होता है हर फिल्म में, हर कमर्शियल फिल्म में कोई एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए। और मराठी फिल्मों में तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि एक से एक आइटम सॉन्ग्स मराठी फिल्मों में आए हैं। और मुझे लगता नहीं है कि आइटम का ही मुझे ऑफ़र आएगी, लेकिन मराठी फिल्म की कोई भी ऑफ़र आएगी तो मैं 100% रेडी हूँ। बहुत अच्छे मराठी गाने, बहुत अच्छी मराठी धुने लता जी के, आशा जी के, और हमारे इवन मन्नाडे जी ने बहुत अच्छे मराठी गाने गाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मराठी गाने कंपोज करना मतलब बहुत अच्छी मेलोडी, बहुत अच्छी उसकी सेंटीमेंट्स को जो है उभारना होता है। और इस तरह से जो भी मराठी फिल्म में मुझे चांस मौका मिलेगा 100% मैं करूँगा। मराठी के लावणी भी आपको मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल लावणी के लिए भी बिल्कुल रेडी है, तैयार है। और एक संगीतकार को जो है हर तरह के गाने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, एक हमारी टीम बन गई है और कोशिश यही करेंगे कि हम तीनों मिलके जो है काम करते रहें आगे की फिल्मों में। श्रवण जी, आप मराठी में कुछ कहना चाहोगे प्रेक्षक लोगों को? मला खूब खूब आवडलं हो। थैंक यू, थैंक यू सर। माझं नाव अंबरीश देशपांडे, मी या फिल्मची जी तिन्ही गाणी आहेत त्याचा गीतकार आहे। आणि मला खरंच हे खूप सौभाग्यशाली वाटतं की मला श्रवणजींसोबत काम करायला मिळालं। खरं तर हे स्वप्न असतं की इतक्या मोठ्या माणसासोबत आपण काहीतरी घेऊ शकतो, काही शिकू शकतो, त्या ट्यून्सवरती काहीतरी लिहू शकतो। हा एक्सपिरियन्स माझ्यासाठी खूप छान होता, खूप काहीतरी वेगळेपणा आला लिहिण्यामध्ये, नवीन लकब आली, हे सगळं शिकायला मिळालं, खूप काही शिकायला मिळालं श्रवणजींकडून। अजूनही असंच या एवढ्या मोठ्या हिमालयासोबत मला काहीतरी काम करायला मिळावं आयुष्यामध्ये हे मला खूप मनापासून वाटतं। आणि डेफिनेटली ही फिल्म तुम्ही बघा आणि खूप एन्जॉय करा। नमस्कार, मी अभिजित नार्वेकर। इमेल फिमेल या चित्रपटात मी दोन गाणी कंपोज केली आहेत। श्रवणजीबरोबर काम करण्याचा माझा एक, मी म्हणेन की फार मोठा एक चांगला योग आला, आणि ह्याच्याही पुढे हा योग बिलकुल आतही रहेगा। येस, येऊन द्या बिलकुल। आणि यांचं श्रवणजींनी केलेला एक आयटम नंबर आहे, आणि ते आय एम क्वाईट शुअर की ते खूप फेमस होईल। आणि यांनी माझ्या दोन गाण्यांची तारीफ करणं हे मला माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे। श्रवणजी थँक्यू व्हेरी मच, यांना गाणी आवडली आणि प्रेक्षकांना पण गाणी आवडतील। ह्याच्यात दोन गाणी मी केली आहेत, एक गाणं सोनूजींनी गायलं आहे, ते एक सिड्युसिंग सॉन्ग आहे। सेकंड सॉन्ग एक सॅड सॉन्ग आहे, जावेद अली आणि आनंदी जोशी यांनी गायलेलं आहे। आणि दोन्ही सॉन्ग्सचं लिरिक्स अंबरीशनी लिहिलेलं आहे। त्यामुळे 20 तारखेला चित्रपटगृहात तुम्ही ईमेल फिमेल नक्की बघा। थँक्यू। तुम्ही पाहतात मुंडे न्यूज। एक और, 1 2 1, तुम्ही पाहतात मुंडे न्यूज।